रामू एक छोटे से गांव का गरीब लड़का था। उसके माता पिता किसान थे और दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि परिवार की जरूरतें पूरी हो सके। रामू ने अपने माता पिता को कठिन परिस्थितियों में काम करते देखा और बचपन से ही उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई के जरिए अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाएगा। रामू स्कूल से लौटने के बाद अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता और फिर रात को मिट्टी के दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव में कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि इतनी गरीबी में पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसे खेत के एक कोने में जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने अपनी जिज्ञासा के चलते मिट्टी को खोदना शुरू किया और थोड़ी ही देर में उसे एक पुराना धातु का डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर उसे एक पुराना कागज मिला जिस पर लिखा था, मेहनत से ज्यादा बड़ा खजाना कुछ नहीं। कागज के साथ एक छोटा सा नक्शा भी था। रामू ने इस रहस्यमय नक्शे की ओर ध्यान दिया और अगले कई दिनों तक उसकी मदद से खेत के विभिन्न हिस्सों को गहराई से खोदने लगा। लोग अब उसे और भी ज्यादा पागल समझने लगे, लेकिन रामू ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक दिन उसने मिट्टी के नीचे एक छोटी सी धारा बहती हुई पाई। वह पानी के सोर्स से बहुत खुश हुआ, क्योंकि गांव में पानी की कमी एक बड़ी समस्या थी। रामू ने उस धारा को खेत की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया, जिससे उसकी फसलें हरी भरी हो गईं। रामू की मेहनत और साहस ने उसकी जिंदगी बदल दी। गांव के लोगों ने उसे एक मिसाल के रूप में देखा और समझा कि मेहनत का फल सिर्फ धैर्य से मिलता है। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह सभी के लिए प्रेरणा बन गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और साहस से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है और असली खजाना हमेशा मेहनत के फल में ही छिपा होता है।